वेलकम बैक YouTube चैनल डिजिटल तैयारी मेरा नाम है चेतन पारिक आर एस अगरवाल सॉल्व कर रहे हैं इंग्लिश वाली बुक टाइम एंड डिस्टेंस चैप्टर चल रहा है अपना पार्ट नंबर शुरू करने जा रहे हैं तो देखते हैं पहला सवाल क्या है फर्स्ट क्वेश्चन है थीफ स्टार्ट रनिंग एंडिस पुलिस मैन रन एट द रेट ऑफ टेन किलोमीटर किलोमीटर पर आवर रेस्पेक्टिवली वॉट इज द डिस्टेंस बिटवीन them आफ्टर सिक्स minutes? ये कह रहा है कि एक चोर चोरी करके जाता है 200 मीटर दूरी से एक पुलिस मैन को पता चल जाता है मान लो यहाँ पे चोर है यहाँ पे पुलिस है यहाँ से चोर ने चोरी की पुलिस यहाँ पे बैठी है दोनों के बीच की दूरी आपको दे रखी है 200 मीटर यहाँ से पुलिस ने चोर को नोटिस किया अब दोनों की स्पीड दे रखी है कि चोर जो है वो दस किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलना शुरू करता है और उसके पीछे पुलिस 11 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलना शुरू कर देती है ठीक है इस तरीके से चल रहा है तो पूछ रहा है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन देम आफ्टर सिक्स मिनट्स तो छः मिनट के बाद में उन दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी ये आपको फाइंड करना है छह मिनट के बाद में दोनों के बीच की जो भी दूरी है क्या है उन दोनों के बीच में गैप ये आपको फाइंड करना है चोर पुलिस को पकड़ लेगा कितने समय बाद पकड़ेगा ये यहाँ पे कुछ भी नहीं पूछा है सिर्फ इतना सा पूछा है कि अभी भले देखो अभी देखो इन दोनों के बीच में ये डिस्टेंस गैप कितना है अभी इन दोनों के बीच में गैप दो है तो so ये जैसे जैसे आगे जाएंगे वैसे वैसे गैप धीरे 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 कम होता जाएगा और एक समय आएगा जब दोनों पकड़े जाएंगे दोनों के बीच का गैप जीरो हो जाएगा लेकिन आपको ये पूछा है कि छः मिनट के बाद में इन दोनों के बीच का गैप कितना रहने वाला है तो ये तो क्लियर सा है कि दोनों के बीच का जो गैप है वो धीरे धीरे अगर कम हो रहा है तो छः मिनट के बाद में कुछ ना कुछ गैप तो कम हो गई होगा यानी दो से कम ही है अपना आंसर दो सौ तो आंसर हो ही नहीं सकता मतलब ये ऑप्शन नंबर डी तो हो ही नहीं सकता है ठीक है अब करना क्या है एक्चुअल में वो देख लेते हैं यहाँ पे इसकी स्पीड 11 है इसकी स्पीड 10 है रिलेटिव स्पीड कितनी आ रही है एक किलोमीटर पर आवर जब सेम डायरेक्शन में जाते हैं तो रिलेटिव स्पीड कैसे निकालते हैं दोनों का डिफरेंस ले लेते हैं तो दोनों का डिफरेंस कितना है एक किलोमीटर पर आवर ये है इन दोनों की रिलेटिव स्पीड टाइम अपन को दे रखा है छः मिनट ठीक है टाइम अपन को दे रखा है छः मिनट तो आपको डिस्टेंस फाइंड करनी है डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है तो डिस्टेंस का फॉर्मूला हो जाएगा स्पीड इन टाइम तो यहाँ पे बस वही चीज करेंगे स्पीड इन टाइम स्पीड कितनी है वन टाइम कितना है छ मिनट मिनट है इसको आवर में चेंज करने के लिए साठ से एक बार डिवाइड कर दिया अपन ने ठीक है तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगी डिस्टेंस मिल जाएगी कितना मिल रहा है देखो इसको सॉल्व गलत है स्कोर इसको, इसको काट दिया यहाँ से मिला मुझे एक बटा दस किलोमीटर अगर एक बटा दस किलोमीटर है तो मीटर के अंदर कितना हो गया हजार आ, एक किलोमीटर हजार होता है इसको हजार से गुणा करेंगे तो सौ मीटर मिल जाएगा यानी छः मिनट के बाद में इन दोनों के बीच में से 100 मीटर का गैप ट्रेवल हो चुका होगा हो हो तो बचा? बचा। बस यहाँ पे छोटी सी चीज समझने की चीज है कि जब वो चोर पुलिस के पीछे जाता है तो दोनों के बीच का जो गैप है वो धीरे धीरे कम होता रहता है ये छोटी सी लाइन याद रखनी है आगे आने वाले सवालों में ये लाइन काम आने वाली है बढ़ते हैं अब अगले सवाल की ओर अ बस इज मूविंग विद स्पीड ऑफ थर्टी किलोमीटर पर आवर अहेड ऑफ अ कार विद स्पीड ऑफ फिफ्टी किलोमीटर पर आवर एक बस जो है वो थर्टी किलोमीटर पर आवर से चल रही है और उसके पीछे पीछे एक कार आ रही है वो कार पचास किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है ठीक है हाउ मैनी किलोमीटर्स अपार्ट आर दे इफ इट टेक्स फिफ्टीन मिनट्स फॉर द कार टू कैचअ विद द बस तो ये कह रहा है कि उन दोनों के बीच का गैप शुरुआत में कितना था अगर वो शुरुआत से लेके जब वो दोनों आपस में मिल रहे हैं तब तक पंद्रह मिनट का समय लग रहा है कुछ इस तरीके से सवाल है यहाँ पे और यहाँ पे दो चीजें हैं मान लो यहाँ पे बस है वो तीस की स्पीड से चलना शुरू करती है स्टार्टिंग पॉइंट से और यहाँ पे कार है वो जो है पचास की स्पीड से चलना शुरू करती है ये दोनों के बीच का शुरुआती गैप है ठीक है ये कह रहा है कि ये तो क्लियर है देखो ये जो गैप है वो धीरे 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 आगे जाके कम हो जाएगा और एक समय ऐसा आएगा जब दोनों के बीच का गैप जो है जीरो हो जाएगा दोनों एक ही पॉइंट पर आ जाएगी यानी कहने का मतलब दोनों आपस में मिल जाएगी सवाल में ये दे रखा है कि ये जो गैप है वो जीरो होते होते ये गैप जो है वो जीरो होते होते पंद्रह मिनट का समय लग गया यही तो कह रहा है इनडायरेक्टली भाई जब कार बस को पकड़ती है तब तक पंद्रह मिनट का समय बीत चुका होता है यानी इंडायरेक्टली कह जा सकता है कि ये जो गैप है वो धीरे 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 खत्म हो होके जीरो बन गया कब बन गया पंद्रह मिनट के बाद में तब को सवाल में यही पूछा गया है कि ये गैप था कितना शुरुआत में उल्टा सवाल है पहले वाले की तुलना में ठीक है तो बस यहाँ पे यही चीज एक तरीके से आपको गैप फाइंड करनी है यानी डिस्टेंस फाइंड करनी है और डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है तो डिस्टेंस का फार्मूला आपको क्लियरली याद है स्पीड इंटू टाइम होता है डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है स्पीड इंटू टाइम तो टाइम तो आपको दे ही रखा है पंद्रह मिनट पंद्रह मिनट मिनट है इसको आवर में चेंज करने के लिए साठ से डिवाइड कर देता है और स्पीड तो स्पीड ध्यान रखनी है जब भी ये गैप कम होता है तो ये गैप किसी एक चीज की वजह से नहीं होता केवल बस की वजह से या केवल कार की वजह से गैप कम नहीं हुआ है ये गैप दोनों की वजह से, से कम हुआ है दोनों के साथ में चलने की वजह से कम हुआ है इसलिए जब भी इस टाइप का ये कॉन्सेप्ट आप लगा रहे हो रिलेटिव स्पीड का तो आपको क्या करना है यहाँ पर रिलेटिव स्पीड यूज लेनी है ये तीस से जा रहा है ये पचास से जा रहा है तो रिलेटिव स्पीड कितनी होगी दोनों का डिफरेंस यानी बीस हो जाएगी तो यहाँ पे स्पीड की जगह अपन लिख देंगे बीस ये इसको काट दिया तीन बार में और पंद्रह और ये तीन इसको काट देगा कितनी बार में पंद्रह को तीन पांच बार में तो पांच किलोमीटर यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन में अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा क्लियर है अगले सवाल की ओर चलते हैं नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है पहले आप पॉज करके खुद ट्राई करेंगे तभी आपको प्रॉपर बेनिफिट मिलेगा सीधा सॉल्यूशन यहाँ पे ना देखें तब आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला ऐसे सवाल क्या कह रहा है फिलहाल इस सवाल को देख लेते हैं अ थीफ रनिंग एट एट किलोमीटर पर आवर इज अ चेज बाई अन हुज स्पीड इज टेन किलोमीटर पर आवर एक थीफ जो है वो यहाँ पे आठ किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलना शुरू करता है ठीक है और एक पुलिस है वो इसके कुछ पीछे है पुलिस कितनी पीछे है इफ द थीफ इज हंड्रेड मीटर्स अहेड ऑफ द पुलिस मैन मतलब पुलिस यहाँ पे है हंड्रेड मीटर का दोनों के बीच में डिफरेंस है पुलिस जो है वो कितने की स्पीड चलना शुरू करती है टेन किलोमीटर पर आवर की स्पीड चलना शुरू करती है पूछ रहा है देन द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द पुलिस मैन टू कैच द थीफ विल बी कितने समय बाद पुलिस जो है चोर को पकड़ लेगी वही सवाल है भाई इन दोनों के बीच का गैप अभी कितना है देखो ये सौ है ये गैप धीरे 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 आगे जाके पूरा कम हो गया जीरो बन जाएगा तो ये गैप जीरो बन रहा है इसका मतलब वो इनडायरेक्टली आगे जाके कहीं ना कहीं मिल रहा है तो आपको ये देखना है कि ये गैप जीरो बन रहा है तो कितना समय लग रहा है अब वही चीज़ है समय निकालने का क्या फार्मूला होता है तो समय निकालने का फॉर्मूला आपको याद है डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है डिस्टेंस कितनी तो डिस्टेंस ये वाली जो ये गैप है वही तो गैप आपको ख़त्म करना है तो ये गैप खत्म करना है यानी ये सौ मीटर आपको ट्रैवल करना है एक तरीके से तो सौ मीटर अपने लिए डिस्टेंस हो गई और अपॉन आ जाएगी स्पीड स्पीड कितनी है देखो एक की स्पीड दस है एक की स्पीड आठ है रिलेटिव स्पीड काम में लेंगे क्योंकि ये जो गैप है वो खत्म हुआ है दोनों की वजह से हुआ है केवल एक की वजह से खत्म नहीं हुआ है ठीक है तो रिलेटिव स्पीड कितनी आ गई देखो दो किलोमीटर पर आवर आ गई तो यहाँ पे स्पीड जो है दो किलोमीटर यहाँ पे लिख देंगे स्पीड की जगह यहाँ पे लिख देंगे दो किलोमीटर पर आवर अब ये मीटर में है स्पीड किलोमीटर पर आवर में है इसको मैं पाँच बटा अट्ठारह से गुणा कर देता हूँ ताकि ये जो स्पीड है वो मीटर पर सेकंड में चेंज हो सके इसको सॉल्व करने पर जो समय मिलेगा वो सेकंड्स के अंदर होगा सारे के सारे ऑप्शन मिनट्स के अंदर है फिर वापस उस सेकंड वाले समय को मिनट्स में चेंज कर लेंगे तो ये जो अठारह है वो तो ऊपर चला जाएगा तो कितना मिलेगा यहाँ पे इसको लिख देते हैं अठारह अगर ऊपर चला जाएगा तो हंड्रेड इंटू एटीन डिवाइड में पाँच इंटू दो कितने हो गए दस हो गए इतने सेकेंड्स का टाइम लगने वाला है ये सेकेंड है इसको मिनट में चेंज करने के लिए साठ से डिवाइड करना पड़ेगा तो यहाँ पे एक साठ से डिवाइड ही कर देते ताकि आंसर अपना मिनट्स में मिल जाए जीरो से जीरो कट गए जीरो से जीरो ये वाला कट गया और इसको ये काट देता है तीन बार में तो तीन मिनट यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन में अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा क्लियर है तो अब आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियरली समझ में आ चुका होगा चोर पुलिस वाले सवालों में या रिलेटिव स्पीड वाले सवालों में कि ये गैप खत्म करना होता है क्यों करते हैं कैसे करते हैं अब आपको आई होप पूरी तरीके समझ में आ चुका है बढ़ते हैं अगले सवाल के और अगला सवाल क्या कह रहा है थीफ स्टेल्स अ कार एट टू थर्टी पीएम एंड ड्राइव्स इट एट सिक्सटी किलोमीटर पर आवर एक चोर एक कार को चोरी करता है और दो बज के तीस मिनट पर दौड़ना शुरू कर देता है साठ किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ठीक है द द द थेफ थेफ्ट इज डिस्कवर्ड एट चोरी का पता बजे चलता है एंड ओनर सेट्स ऑफ इन कार एट सेवेंटी फाइव किलोमीटर पर आवर और जैसे ही इस uh, कार के मालिक को पता चलता है तीन बजे तो मालिक जो है उसके पीछे पीछे दौड़ना शुरू कर देता है सेवनटी फाइव किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दूसरी कार में बैठ के तो आपको पूछ रहा है वेन विल ही ओवरटेक द ट्रेन तो जो मालिक है वो जो थीफ है उसको कितनी देर बाद पकड़ लेगा या फिर ओवरटेक कर लेगा ये आपको फाइंड करना है ठीक है तो इसको ऐसे समझते हैं कि मान लो यहाँ से चोरी हुई है ठीक है चोरी हुई है कितने बजे हुई है ढाई बजे चोरी हुई है ठीक है चोरी का पता कितने बजे चल रहा है देखो तीन बजे चल रहा है तो जब तक तीन बजेगी उस समय तक चोर जो है वो आधे घंटे तक ट्रेवल कर चुका होगा भाई ढाई बजे चोरी करके रवाना हो गया था तो जब तक तीन बजेगी जब तक तो चोर कुछ ना कुछ आगे पहुंच चुका होगा तो देख लो आधे घंटे में चोर कितना चला जाएगा मुझे पता है उसकी स्पीड कितनी है सिक्सटी किलोमीटर पर आवर है उसकी स्पीड कितनी है सिक्सटी किलोमीटर पर आवर है एक घंटे में साठ चलता है तो आधे घंटे में कितना चलेगा तीस किलोमीटर चलेगा मतलब ये कह सकता हूँ कि तीन बजे की सिचुएशन अगर मैं ड्रॉ करूँ इस डायग्राम के अंदर तीन बजे की सिचुएशन को अगर मैं ड्रॉ करता हूँ तो चोर जो है वो तीस किलोमीटर आगे है और अब यहाँ से ओनर जो है कार का मालिक जो है वो यहाँ से अब रवाना होने वाला है मालिक सेवेंटी फाइव से रवाना होगा चोर जो है वो सिक्सटी से चल ही रहा था ठीक है तो आपको पूछ रहा है कि वेन विल दे ओवरटेक कितने समय बाद चोर जो है वो पकड़ा जाएगा तो फिर से वही चीज़ हो गई देखो वही चीज बन गई ये गैप जो है थर्टी का है ये गैप धीरे 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 आगे जाके कहीं ना कहीं कम हो गए जीरो बन जाएगा तो ये गैप जीरो बनने में कितना समय लगा तीन बजने के बाद में कितना समय और लगा ताकि ये गैप जीरो हो जाए बस ये समय आप अगर निकाल लेते हैं तो कुछ भी नहीं है सवाल के अंदर ये सवाल सॉल्व हो जाएगा तो ये गैप खत्म करना है यानी मुझे ये डिस्टेंस ट्रेवल करनी है समय फाइंड करना है तो समय का फॉर्मूला क्या होता है डिस्टेंस डिस्टेंस अपॉन स्पीड कितनी ट्रेवल करनी है मुझे थर्टी स्पीड कितनी है तो ये गैप खत्म कैसे हुआ दोनों की वजह से हुआ केवल एक की वजह से नहीं हुआ है दोनों की वजह से ये गैप खत्म हुआ है तो यहाँ पे ये पिचहत्तर है ये साठ है दोनों की रिलेटिव स्पीड कितनी आ जाएगी पंद्रह आ जाएगी डिफरेंस कितना आएगा पंद्रह सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं इसलिए दोनों का डिफरेंस लेते हैं अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में चलते तो दोनों के स्पीड का अपन सम करते हैं ठीक है तो यहाँ पे दोनों का डिफरेंस आ गया पंद्रह पंद्रह लिख देते हैं कितना मिला देखो दो घंटे यानी मैं कह सकता हूँ कि ये जो गैप है तीस का वो धीरे धीरे जाके कहीं ना कहीं जीरो हो जाएगा इनडायरेक्टली कहने का मतलब है जो पकड़ा जाएगा चोर तो कितना समय लगेगा दो घंटे का समय लगेगा तो तीन बजने के बाद में दो घंटे और लगे तो कितने बज गए पांच बज गए पांच बज गए यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन में अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा क्लियर है

राहुल जो है वो पांच मिनट के बाद उसके पीछे दौड़ना शुरू करता है आर्यन के पीछे पांच मिनट के बाद दौड़ना शुरू कर रहा है किस स्पीड से दौड़ना शुरू कर रहा है पचास की स्पीड से और जब राहुल दौड़ना शुरू करता है तो उसके साथ साथ उसका डॉग जो है वो भी साथ साथ में दौड़ना शुरू कर देता है तो डॉग की स्पीड आपको दे रही है साठ मीटर पर मिनट ठीक है आगे क्या कह रहा है सवाल द डॉग रीच इज आर्यन एंड देन कम्स बैक टू राहुल एंड कंटिन्यूज टू डू सो टिल राहुल रीचेज आर्यन ये कह रहा है कि राहुल जो है आर्यन राहुल जो है फास्ट राहुल और डॉग साथ में दौड़ना शुरू करते हैं डॉग जो है फास्ट दौड़ रहा है तो डॉग आर्यन के पास पहले पहुंच जाएगा आर्यन के पास पहुंचने के बाद में वापस राहुल की तरफ आना शुरू करता है फिर वापस वो जो है डॉग जो है वो आर्यन की तरफ जाना शुरू करता है वापिस राहुल की तरफ आता है ऐसे वो करता जा रहा है कब तक करता जा रहा है जब तक राहुल आर्यन के पास नहीं पहुंच जाता ठीक है तो आपको फाइंड करना है इस पूरे केस में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है डॉग ने सवाल को डाइग्राम की आपसे वापिस ही समझे एक बार ये कह रहा है कि यहाँ से मान लो ये एक पॉइंट है यहाँ से आर्यन ने चलना शुरू किया मान लो आर्यन ने 40 मीटर पर मिनट की रफ्तार से चलना शुरू किया ठीक है पांच मिनट के बाद में इसी पॉइंट से राहुल भी उसका पीछा शुरू कर देता है अब पांच मिनट के बाद में शुरू कर रहा है राहुल तो यानी पांच मिनट में आर्यन तो आगे चला गया होगा तो ये मुझे पता है कि एक मिनट में चालीस चलता है तो पांच मिनट में कितना चलेगा आर्यन दो सौ चल यानी 200 मीटर आगे कितना आ गया 200 मीटर आगे ये आर्यन यहां पे बैठा है यहां से आर्यन आर्यन को हटा रहा हूं जैसे ही 200 मीटर आगे होगा अब राहुल यहां से चलना शुरू करेगा राहुल किस स्पीड से चलेगा 50 मीटर पर मिनट की स्पीड से चलेगा और साथ साथ में उसका डॉग जो है वो भी चलना शुरू कर देता है सिक्सटी मीटर पर मिनट की स्पीड से चलना वो शुरू कर देता है ठीक है इस तरीके से चलता जा रहा है अब आगे ये चलता आर्यन तो 200 मीटर आगे है राहुल और डॉग की स्पीड आपके पास मिल चुकी है आपको अब हो क्या रहा है यहाँ पे ये तो क्लियर है कि राहुल और डॉग में डॉग की स्पीड ज्यादा है देखो अगर डॉग की स्पीड ज्यादा है मतलब राहुल और डॉग दोनों में से पहले कौन पहुंचेगा आर्यन के पास डॉग पहुंचेगा तो ये कह रहा है कि डॉग के पास जैसे ही आर्यन आर्यन जो है डॉग जैसे ही आर्यन के पास पहुंचेगा कितना समय लग रहा है वो समय देख लेंगे तो सबसे पहले तो चेक कर लेते हैं मान लो यहाँ पे कहीं पे जाके वो मिले मान लो यहां पे कहीं पे जाके मिले आर्यन और डॉग दोनों क्योंकि डॉग फास्ट है आर्यन के पास पहले पहुंचेगा आर्यन की स्पीड कितनी दे रखी है चालीस दे रखी है अब ये जो है यहाँ पे मिलेंगे इसका मतलब ये दो सौ का गैप है वो कहीं ना कहीं खत्म हुआ है देखो ये जो दो सौ का गैप है वो कहीं ना कहीं आगे जाके खत्म हुआ, हुआ है खत्म हुआ है तभी तो डॉग जो है आर्यन को पकड़ लेगा तो यहाँ पे ये देखो दो सौ का गैप खत्म हुआ है कितने समय में खत्म हुआ है तो समय का फॉर्मूला क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड डिस्टेंस आगे दो सौ स्पीड कितनी आएगी तो रिलेटिव स्पीड आएगी किस किस की आर्यन की और डॉग की डॉग की स्पीड साठ है आर्यन की स्पीड चालीस है दोनों का डिफरेंस कितना है बीस तो बीस से डिवाइड कर देते हैं कितना आ जाएगा देखो दस मिनट यानी कहने का मतलब है कि दस मिनट के बाद में डॉग जो है आर्यन को पकड़ लेगा ठीक है शुरुआत से लेके अब तक दस मिनट बीत चुके हैं और डॉग ने आर्यन को पकड़ लिया है तो दस मिनट में दस मिनट में ये देख लो कि डॉग साठ की स्पीड से चल रहा है दस मिनट में वो यहाँ से यहाँ तक आया है तो डॉग ने कितना चला होगा देखो दो सौ साठ तो इसकी स्पीड है दस मिनट के अंदर कितना ट्रेवल कर लेगा छह सौ मीटर ट्रेवल कर लेगा तो दो सौ तो ये है तो ये कितना हो जाएगा चार सौ हो जाएगा ये कितना हो जाएगा चार सौ मीटर ठीक है दस मिनट के बाद में डॉग ने आर्यन को अगर पकड़ा है तो इस दस मिनट के दौरान राहुल क्या कर रहा था तो राहुल का भी चेक कर लेते हैं राहुल की स्पीड कितनी है देखो पचास है दस मिनट में वो राहुल कितना चलेगा पांच सौ चल लेगा कुल मिला के दूरी देखो 600 है 600 में से राहुल अब कहाँ पे है 500 सौ पा चुका है यहाँ पे कहीं पा आ चुका है कहाँ पे आ चुका है देखो ये यहाँ पे आ चुका है बीच में ये कितना बचा देखो 100 मीटर बीच में गैप कितना बचा 100 मीटर बचा अब क्या होगा डॉग ने आर्यन को पकड़ लिया जैसे ही वो पकड़ता है वापिस वो राहुल की तरफ आना शुरू करता है और राहुल तो जो, जो है इस डायरेक्शन में आ ही रहा था दोनों अब जो है अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं दोनों जो है अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं और अगर अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं तो इनको कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करनी है देखो इन दोनों को हंड्रेड मीटर के डिस्टेंस ट्रैवल करनी है दोनों को हंड्रेड मीटर के डिस्टेंस ट्रेवल करनी है ये तो क्लियर है हंड्रेड मीटर की डिस्टेंस ट्रैवल करनी है यहाँ पे राहुल है यहाँ पे डॉग है ये जब आएगा तो देख लो कितना समय लगने वाला है ये जो है समय कितना लगने वाला है या फिर इसको एक चीज़ ऐसे भी कर सकते हैं भाई यहाँ पे राहुल है ठीक है यहाँ पे राहुल है फिलहाल और आर्यन यहाँ पे है आप ये चेक कर लो कि आर्यन को राहुल कितने मतलब राहुल जो है आर्यन को कितने समय बाद पकड़ लेगा यहाँ से ये भी अपन चेक कर सकते हैं 100 मीटर का गैप जब खत्म हो जाएगा तब आगे जाके कहीं ना कहीं जो है राहुल आर्यन को पकड़ लेगा तो ये देख लो कि 100 मीटर का गैप कब खत्म हो रहा है 100 मीटर का गैप कब खत्म हो रहा है तो 100 और इस बार रिलेटिव स्पीड किस किस के काम में लेंगे राहुल की और आर्यन की दोनों के बीच का गैप कितना है पचास और चालीस के बीच का गैप कितना होता है दस का यानी कितना लग जाएगा देखो दस मिनट और लग जाएंगे कितना समय लग जाएगा दस मिनट मतलब राहुल यहां से लेके यहां तक आया वो तो ठीक है अभी उसको दस मिनट और लगने वाले हैं आर्यन को पकड़ने में और ये तो चेक करना है कि भाई जब तक राहुल आर्यन को पकड़ेगा तब तक डॉग कितना चल लेगा तो डॉग देखो ऑलरेडी डॉग जो है ऑलरेडी 600 चल चुका था डॉग ऑलरेडी 10 मिनट में 600 चल चुका था अभी 10 मिनट उसको और चलना है क्यों चलना है क्योंकि राहुल आर्यन को पकड़ने वाला है तो 10 मिनट उसको और चलना है तो 10 मिनट में 600 चलता है और 10 मिनट में वो कितना चलेगा 600 और चलेगा तो छे सौ और छह सौ कुल मिला के कितना हो जाएंगे बारह सौ हो जाएंगे तो बारह सौ यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन में अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा क्लियर है सिंपल सा सवाल है कुछ भी नहीं है सिर्फ एक डायग्राम को आपको बना के ढंग से समझना है कैलकुलेशन बिल्कुल भी नहीं है सिर्फ लॉजिकल और सोचने वाला यह सवाल है बाकी इस सवाल के अंदर कुछ भी नहीं है सिर्फ रिलेटिव स्पीड के छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना है कि ये गैप कब खत्म होता है कितने देर बाद खत्म होता है छोटे छोटे सवाल अपन ने पहले भी दो तीन कर लिए हैं तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपका पूरी तरीके से क्लियर हो चुका है बढ़ते हैं अगले सवाल के और अगला सवाल क्या कह रहा है नेक्स्ट सवाल है अ थीफ परस्यूड बाई अ पुलिस मैन वॉज हंड्रेड मीटर अहेड एट द स्टार्ट इफ द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ द पुलिस मैन टू दैट ऑफ थीफ वॉज फाइव एज टू फोर देन हाउ फार कुड द थीफ गो बिफोर ही वॉज कॉट बाई द पुलिस मैन ये कह रहा है कि चोर और पुलिस के बीच की जो दूरी है वो सौ मीटर है यहां से लेकर यहाँ तक मान लो ये चोर है ये यहाँ पे पुलिस है दोनों के बीच की जो दूरी है वो कितनी है सौ मीटर है दोनों की स्पीड का रेशियो आपको दे रखा है पांच अनुपात चार है पुलिस की स्पीड जो है वो पांच है तो चोर की स्पीड कितनी है चार है ये अगर फाइव वाई की स्पीड से चल रहा है तो ये फोर वाई की स्पीड चल रहा है देखो रेशियो दे रखा है रेशियो को वैल्यू में चेंज करने के लिए अपने कॉन्स्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो मैंने मान लिया दोनों की स्पीड फोर वाई और फाइव वाई ठीक है आगे पूछ रहा है देन हाउ फार कुड द थीफ गो बिफोर ही वॉज कॉट बाई द पुलिस मैन थीव जो है कितना ट्रेवल कर लेगा Thief जो है कितना ट्रेवल कर लेगा जिस समय आ, कब ट्रेवल आ, कितना ट्रेवल कर लेगा जब उसको पुलिस आके पकड़ लेगी ठीक है तो मान लेते हैं कि ये जो है एक्स ट्रेवल कर लेगा मान लेते हैं ये एक्स ट्रेवल कर लेगा ठीक है या फिर इसको अगर बिना एक्स करना चाहे तो बिना एक्स ट्राई करते हैं एक बार बिना एक्स ट्राई करने की कोशिश करते हैं देखो जब ये आगे जाके कहीं ना कहीं पकड़े जा रहे हैं ये आगे जाके कहीं ना कहीं पकड़े जा रहे हैं इसका मतलब गैप जीरो हो रहा है तो ये देख लो कि गैप जो है जीरो होने में कितना समय लगा गैप जीरो होने में कितना समय लगा यही तो अपन करते हैं तो गैप जीरो करना है यानी हंड्रेड मीटर मुझे ख़त्म करना है ये डिस्टेंस है और दोनों की स्पीड जो है उसका डिफरेंस अपन नीचे लिख देंगे तो ये पाँच वही है ये चार वही है दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा वही आ जाएगा दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा वही आ जाएगा इतने समय के बाद में ये जो गैप है वो खत्म हो जाएगा ठीक है यानी ये जो टाइम मिल गया मुझे अब आप तो ये चेक कर लो कि ये टाइम तो इस टाइम के दौरान थीफ ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की ये आप बस फाइंड कर लो यहाँ से अपन को आंसर मिल जाएगा डायरेक्टली इस टाइम के दौरान थीफ ने कितनी डिस्टेंस ट्रैवल की तो ये आपको स्पीड पड़ी है ये आपके पास डिस्टेंस पड़ी है जब आप सॉरी ये आपके पास टाइम पड़ा है ये आपके पास स्पीड पड़ी है आपको निकालनी है डिस्टेंस तो डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है स्पीड इन टाइम स्पीड कितनी है थीफ की फोर बाई और टाइम कितना कितने समय तक उस थीफ को दौड़ाना है तो ये सौ बाई वाई के लिए दौड़ाना है वाई वाई क्वेश्चन में अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा क्लियर है और अगर इसी सवाल में पूछ ले था कि पुलिस को कितना दौड़ना पड़ेगा तो पुलिस को कितना दौड़ना पड़ा देखो सौ और चार सौ कुल मिलाकर कितना पांच सौ तो अलग अलग चीजें होती है थीफ को कितना दौड़ना पड़ा तो चार सौ पुलिस को कितना दौड़ना पड़ा तो पुलिस को दौड़ना पड़ा पांच दोनों के गैप को कितना दौड़ना पड़ा तो दोनों के गैप को सौ मीटर दौड़ना पड़ा हालांकि ये कभी नहीं पूछते सवालों को सॉल्व सवाल करने में जरूर काम आता है कि दोनों का ये जो गैप है वो कितना कवर हुआ सौ मीटर कवर हुआ तो ये पता होनी चाहिए छोटी छोटी सी बातें तो फिलहाल इस वीडियो के अंदर गाय इतना ही रखते हैं आगे आने वाले सवालों को अपकमिंग पार्ट्स के अंदर सॉल्व करेंगे थैंक यू